हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में खास क्या है, क्या सीखेंगे आज? देखिए, यहां पर कुछ मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और इसमें कंट्री कोड लगा हुआ है। अब ये सही मोबाइल नंबर नहीं है, ऐसे ही मैंने डाल दिया है, तो ये कोई किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखिए, ये कंट्री कोड जो है +91, इंडिया के हैं हम, तो कंट्री कोड +91 है। तो +91 हटाना है, ठीक है, 91 को दूर ले जाना है, दूसरे कॉलम में ले जाना है और बाकी नंबर दूसरे कॉलम में आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, तो देखिए, पहले तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको जाना कहाँ है, सेलेक्ट करेंगे तो डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाएंगे तो ये इसका यूज मैं सिखाता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम जो दिया हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा फिक्स्ड विथ, विथ माने होता है चौड़ाई, ठीक है, तो फिक्स्ड विथ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट का बटन दिखाई पड़ेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से एक ठो लाइन बना लीजिए, इसी पे क्लिक कर देंगे ना, 91 के ठीक बाद, 91 के ठीक बाद आप क्लिक कर देंगे तो एक ठो लाइन बन जाएगा सेपरेटर की तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ये सिनेरियो आएगा। आपको यहाँ दिखाई भी पड़ेगा कि आपका नंबर जो है कैसा दिखेगा। अब यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए 91 अलग हो गया और ये मोबाइल नंबर अलग हो गया, लेकिन अभी ये मोबाइल नंबर दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो इन सबको सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल और अल्फा न्यूमेरिक की 1 प्रेस कर दीजिए, अल्फा न्यूमेरिक की प्रेस कीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ नंबर पे जाइए और नंबर पे जाने के बाद ये डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए दोनों, ठीक है, और यहाँ ये वाला चूज करके और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये आपका कंट्री कोड है और ये आपका नंबर है, तो दोनों हमने सेपरेट कर लिया,